नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और ये है आरकीपुरम का सेक्टर 8, स्ट्रीट फूड के लिए फेमस है, एंजॉय कर सकते हैं यहाँ आकर। आज बारिश हुई इसलिए उतनी भीड़ नहीं है। मैं यहाँ से ले रही हूँ जुतपुत्रे का व्रत का सारा सामान, और कभी कभी तो ऐसा होता है कहीं कहीं कि वहाँ से मुझे कुछ सामान नहीं मिलता, यहाँ सब कुछ सूजी वाला सूजी वाला ज़्यादा टेस्टी लगता है ना। मिलते हैं मिट्टी के गमले भी, और उस साइड है नर्सरी, और ये सामने फ्रूट्स वगैरह। कौन ये रागी का आटा और ये धागा, और ये जो है ये इसकी सब्जी बनाकर खाते हैं। तो कल है नहाकर और बनाकर ये खाते हैं चीज़ें। तो आप सबको जुतपुत्री का व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं, और फिर चलिए मिलकर करते हैं विश्वकर्मा पूजा। तो बस मैंने पूजा कर ली है, और आज है हमारी जुतपुत्री का व्रत की नहाए खाए, तो बस वो सब कर लिया है। तो ये मैं नहाने के बाद अपना खाने के लिए सभी के लिए बना रही हूँ, और ये पूड़ी पुआ और ठेकुआ वगैरह बनता है हमारे यहाँ, तो मैं वही बना रही हूँ नहाने के बाद। और ये देखिए, मैंने अपने गैस चूल्हे का भी पूजा किया, क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा है, इंक्लूडिंग जो है टीवी और जितना भी फ्रिज एसी सबको मैंने गंगा जल छिड़क के शुद्ध किया, और उसके बाद मैंने सभी की पूजा की, और ये बस अब बन रहा है। नो मैटर हाउ ओल्ड यू गेट, नो मैटर व्हाट योर पर्सनैलिटी इज, नो मैटर हाउ बिग एंड सक्सेसफुल यू आर बिकेम, देयर इज ओनली वन ट्रूथ इन माई लाइफ दैट आई लव यू फॉर एवर माई चाइल्ड, इफ यू आर माई नोबिता देन आई एम योर डोरेमन, जिंदगी संवार दू एक नई बहार दू, दुनिया ही बदल दू मैं तो तेरे। और ये हो रही है मेरी पूजा की तैयारी। ये मैंने अपने बेटे के लिए लिखा था जब वो 3.5 साल का था, 13 तारीख थी उस दिन, 13 अप्रैल 2018 को। और ये मैं आज आप लोगों के सामने मैंने बोला अपनी फीलिंग्स अपने बच्चों के लिए। और ये मैं मंदिर नहा धोवा कर साफ कर रही हूँ, और मेरी जो जूतियाँ है वो भी मेरे हस्बैंड ने वो पिरो दिया है, बस अब बस पूजा हो गई। तो देखिए ये जो है ये कढ़ी बड़ी है, कढ़ी में बड़ी हमारे यहाँ डलता ही है, विदाउट बड़ी कढ़ी हम नहीं बनाते। और ये है जो है ये है दही भल्ला है, यानी कि दही बड़े, और ये एक सब्जी है, और ये जो है ये है हमारा, इसको बोलेंगे पकौड़ी भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बचका बोलते हैं, ये आलू बैंगन लौकी वगैरह का बनता है, तो ये बचका है। और ये है चावल, साथ में मैंने लिया है खीरा, और ये है भुंजिया जो है, ये है भिंडी का, और बहुत टेस्टी है। तो बस अभी मैं इसको खाऊंगी, और अभी लंच का टाइम हो रहा है, और नीचे बैठ के मैं बड़े आराम से, जो मज़ा पता है नीचे बैठकर खाने में ना, वो डाइनिंग टेबल या टेबल पे बैठ के मुझे तो नहीं आता, तो मैं कभी कभी नीचे बैठ जाती हूँ, और यहाँ का पीछे का जो है सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोचा चलो यहीं बैठ कर आप लोगों से कुछ बातें भी कर लूँगी, और ये अपना शेयर भी कर दूँगी कि आज मैंने क्या क्या बनाया है। और जो हमारा पारंपरिक थाली है बिहार का, मेनली ये है हमारे पारंपरिक थाली में जो है कढ़ी बड़ी, और 2-3 प्रकार की सब्जियां तो होती है, कढ़ी बड़ी और ये जो है बचका, ये जरूर ही होता है, साथ में पापड़ और अचार की कमी है मेरे पास, लेकिन अभी मुझे इतना ही मेरे लिए इनफ है। और ये जो है ये हमारा जितिया है, एक चांदी का है जो मेरी बेटी का है, और एक सोने का है जो कि मेरा बेटे का है, और जितिया का आकार नाव का होता है, तो नाव के आकार का जितिया क्यों बनता है ये मैं सोच रही थी कि नाव के ही आकार का, आजकल तो लॉकेट भी बनवाने लगे हैं लोग, लेकिन नाव के आकार का इसलिए बनता है ना क्योंकि ये जो संसार है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाव सागर, मतलब हमारे सनातन धर्म में मानते हैं कि ये संसार जो है वो भाव सागर है, और उसको पार लगाते हैं हमारे बच्चे, मतलब बुढ़ापा में या फिर ऐसे, मतलब हमारे साथ हमारी हर सुख दुख में हमारे बच्चे रहते हैं, इसलिए इसको हमेशा नाव के आकार का ही बनवाते हैं। अच्छा, तो जो जुतिया है ये नाव का आकार का क्यों बनाते हैं ये पता चल गया। और ये जो है पता है, एक बार बचपन का बात है कि मेरी एक बगल में दीदी रहती थी, उन्होंने मुझे चिढ़ाया कि तुम्हारे लिए मम्मी ने चांदी का बनवाया है और बेटे के लिए सोने का,
तो मम्मी ने मुझे, मैं रोने लगी, मम्मी ने मुझे समझाया तुम तो बड़ी होगी तो जूतियाँ पहनोगी ही, तो इसलिए तुम्हारे लिए चांदी का बनवाया। और बेटा जो है मेरा मतलब भाई, वो तो नहीं ये जूतियाँ पहनेगा, इसलिए उसके लिए सोना का मैंने बनवाया। तो मुझे लगा ठीक है, लेकिन मेरे ना दिल में ये बात तो बैठ गई भाई ऐसा क्यों है। तो इसलिए पहले देखिए फ्रेंड्स जो है ना, चांदी सोना दोनों को बहुत महत्व देते थे, बहुत महत्व जो है इन मेटल को मानते थे। जब मैंने देखा मेरी नानी का जो गहना था ना बॉक्स में था और केवल चांदी का पूरा भरा हुआ, यानी चांदी सोना से हमारा घर भरे रहे, इसलिए चांदी सोना से तुलना की जाती है अपने बेटे बेटी की। और ये दूसरी बात जो ये भी है, एक तरह से अगर महत्व की बात करेंगे, जो आदमी बोलते हैं कि बेटे का बहुत महत्व है तो इसलिए सोना का, तो हाँ मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जो बेटियाँ चली जाती हैं तो बेटे ही पास में रहते हैं, बेटे ही मम्मी पापा का केयर करते हैं। हमारे घर भी यही हुआ, जब हम दोनों बहनें हम लोगों की शादी हो गई ना, तो मम्मी पापा बिल्कुल अकेले हो गए क्योंकि भाई भी बाहर जॉब के लिए निकल गया था, तो बेटे बेटी दोनों मिल ही करते हैं। और जब मेरा भाई वापस आके रहने लगा ना मम्मी के पास, मतलब कि वो सेटल हो गया मम्मी पापा के पास, क्योंकि मम्मी पापा बहुत अकेले हो गए थे, तो मेरी मम्मी ने कहा बेटा मेरा पता है 10 साल अब ज़्यादा एज हो गया, क्योंकि कोई बच्चा तो मेरे पास है